हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। और आप हैं इस समय सूरज सर के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं परचेज ऑर्डर के बारे में। बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझसे करी गई है कि सर परचेज ऑर्डर के बारे में बताइए। हालांकि लाइव क्लास में मैंने बताया भी है कि परचेज ऑर्डर क्या होता है। देखिए, परचेज ऑर्डर जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ परचेज से ही बिलोंग करता है। यानी कि आपने ऑर्डर दिया, इसके अलावा दूसरा कोई इसका यूज नहीं है। आपने बस ऑर्डर दिया, वही आपका परचेज ऑर्डर है। आपने ना परचेज किया है ना सेल किया है, सिर्फ ऑर्डर दिया है, उसे परचेज ऑर्डर कहते हैं। इसको टैली में कैसे करते हैं ये एक अलग मुद्दा है। अभी हम स्क्रीन पे चलेंगे तो फिर उसको भी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ बात करना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। तो आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वीडियोस को, उससे काफी सारे लोगों को लाभ हुआ ये जानकर के, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझेंगे कि परचेज ऑर्डर क्या होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियोस अच्छी लगती होंगी, आप कमेंट भी करते हैं, ये देख करके मेरा भी उत्साह बढ़ता रहता है और इसी तरीके से मैं आपको फ्री एजुकेशन देता रहूंगा। चलिए तब आ चुके हैं, देख सकते हैं हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे स्टॉक समरी आप देख सकते हैं, स्टॉक में क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। तो ये परचेज है हमारा, तो यहाँ पर पहले बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से भी पूरा बाहर आ जाता हूँ। ये स्टॉक समरी है आपकी, यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जा सकते हैं। ये जो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट है, यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पे इन्वेंटरी बुक मिलता है आपको। इन्वेंटरी बुक में जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई देंगे। स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिखाई देगा, परचेज ऑर्डर बुक दिखाई देगा। तो जहां से आपने परचेज ऑर्डर क्या क्या किया है वो देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ परचेज ऑर्डर दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, बस इतना ही इसका मतलब है। ठीक है ना, समझ रहे बात को? यानी आपने ऑर्डर कर दिया है, बाकी का काम होलसेलर पार्टी का है, वो अपना भेजेगी समझेगी। ठीक है ना, तो ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये परचेज ऑर्डर का बिल आपको दिखाया मैंने। अब यहां से बाहर आ जाता हूं और बाहर आने के बाद कुछ चीजें और भी हमें परचेज ऑर्डर करनी है, तो वी प्रेस करके आएंगे परचेज ऑर्डर में। अब यहां से आपको अदर वाउचर में जाना है और यहां पर आपको शो इनएक्टिव दिखेगा, तो यहां से परचेज ऑर्डर मिल जाएगा आपको। इसी में से परचेज ऑर्डर डबल क्लिक करके एक्टिवेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, फिलहाल मेरे में एक्टिवेटेड है। होलसेलर पार्टी का लेजर लगाते हैं और इसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए ये सब आपको देखना होगा। तो फिलहाल एंटर करते हैं, इसको ऐसे ही एंटर करते हुए आ जाते हैं और यहाँ पे आपको जीएसटी आईएन डालना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर में मैं क्या करता हूँ, PURC डाल देता हूँ 12/1। ठीक है, ये हमारा परचेज ऑर्डर नंबर है, ये आ गए, एंटर किया। अब यहां से चलेंगे तो यहां पर आपको डालना है स्टॉक आइटम का नेम। तो यहाँ ऑल्ट सी करके हम नया स्टॉक आइटम बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ घी बना लेते हैं, घी। ठीक है, तो ये एक स्टॉक आइटम हो गया। अब ये किलो में बिकेगा तो ये किलो कर दिया हमने। स्टैंडर्ड रेट डालना चाहते हैं या नहीं ये देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, अगर डालना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। ठीक है, तो खरीद रेट क्या पड़ी वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे खरीद रेट पड़ी यहाँ पे, जो भी खरीद रेट आपकी आती हो 500 रुपए किलो, तो ये 500 डाल दिया हमने। और यहाँ पे आप बेचने वाला स्टैंडर्ड रेट आप क्या निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पे 620 रुपए किलो हम बेचेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब जीएसटी की डिटेल्स को अल्टर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सब चीजें तो बहुत पहले ही बताई जा चुकी हैं, एंटर करते हैं, फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। ये देखिए आइटम लोकेशन, ये जो आ जाता है ना, ये बड़ा आपके लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। आप सोचते हैं कि क्वांटिटी कहाँ लिखे, क्वांटिटी में तो जा ही नहीं रहा है, सीधा यहाँ पे आ गया, एंटर किया तो यहाँ पे आ गया। तो डोंट वरी, एंटर कर दीजिएगा, नीचे क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। तो 50 किलो घी मंगा लिया हमने, एंटर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे जीएसटी की डिटेल आप डाल सकते हैं कि जीएसटी कितना लगेगा उस पर, वो सारी डिटेल। ठीक है, तो जीएसटी जितना परसेंट लगता हो वो डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, परचेज ऑर्डर गिवन सक्सेसफुली, गिवन सकते हैं, गिवन सक्सेसफुली, और ये एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर आएंगे, परचेज ऑर्डर आपने जो दिया था उसका प्रिंट आउट दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा। तो ये तीन यहाँ पे देखिए, थर्ड वाला है, ये देखिए, ये है आपका, अल्ट पी करके इसका परचेज ऑर्डर में दिखा देता हूँ ये दिखेगा कैसे। तो ये देखिए, ये आपका परचेज ऑर्डर रहा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, परचेज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपने परचेज के लिए ऑर्डर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आपने परचेज नहीं किया बल्कि परचेज के लिए ऑर्डर दिया। ओके,